Hi guys, this is Priyanka Rathi and you are watching Creative Kona. So guys, welcome and welcome back to my channel and happy Navratri to all of you. So guys, today we're gonna learn how to make acrylic painting in a different way, in a different style. So ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रेफरेंस पिक्चर ली है आप उसी को सेम वे में आप अपने पेंटिंग पे उतार दे, आप उसको डिफरेंट वे में भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और बहुत ईजी भी होता है बिगनर्स के लिए, और जिससे वो टाइम टेकिंग कम होगा एंड हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि वो क्रिएट होने के बाद वो जो हमने एक थॉट उसमें न्यू एक स्टाइल डाला है तो वो बनने के बाद कैसा लगेगा और कैसा लोगों को देख के उस पर रिएक्शन आएगा, तो ये बहुत अलग होगा. कुछ कुछ थिंग्स है जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, जैसे कि कैनवस. कैनवस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैनवस पे आप पेंटिंग करोगे, एक्रेलिक कलर मेनली कैनवस पे ही होते हैं, वैसे लोग पेपर पे भी करते हैं लेकिन मेन जो एक्रेलिक कलर्स बने हैं वो कैनवस पे करने के लिए ही बने हैं. तो कैनवस, जब हम कोई कैनवस खरीद रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो मीडियम ग्रेन हो, उसमें ज़्यादा हाई ग्रेन वाला नहीं होने चाहिए. और पेंटिंग को बनाने से पहले आप उस पर एक जेसो का कोट अप्लाई करें, जिससे कि पेंटिंग जब हम बनाएं तो उसमें वो ग्रेन से ज़्यादा दिखाई ना दे और बहुत स्मूथ फिनिशिंग आए. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्रेलिक करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए. तो वो जैसे जैसे हम प्रोसेस करेंगे अपनी पेंटिंग के लिए, इस नई पेंटिंग के लिए, तो मैं आपको बताती जाऊंगी. और गाइज, अगर आपको कोई भी क्वारी है या कोई क्वेश्चन है अबाउट एक्रेलिक कलर्स और वाटर कलर्स, मैं वाटर कलर की पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, तो उसकी वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मैंने डाले हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो गाइज, अपनी न्यू पेंटिंग की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं अपनी कैनवस पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ करती हूँ वो कैमल के कलर्स यूज़ करते हैं, उनका पिगमेंट बहुत अच्छा होता है, और ज़्यादा ट्यूब के कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत थिक होते हैं. तो वाइट कलर बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने एक पूरा जार लिया था उसका, हाफ के जी का. वो एक बार मुझसे टूट के गिर गया, देन मैंने वो कलर फिर दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो भी कैमल का ही था. तो मैंने तीनों कलर्स के नेम मेंशन कर दिए हैं और हम इन तीनों कलर्स को मिक्स करेंगे, हम अपनी पेंटिंग का बेसिक कलर बनाएंगे. एक और बात, एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होते हैं. हम जब पेंटिंग बनाते हो तो फैन भी चलता रहता ही है, तो उस वजह से कलर बहुत जल्दी सूखते रहते हैं, हमको बार बार नए कलर मिक्स करने पड़ते हैं, सेम कलर हमारे ड्राई होते हैं. तो उसके लिए मैं ज़्यादातर स्प्रे बॉटल एक अपने पास रखती हूँ, जिससे बीच बीच में उसको स्प्रे भी करती रहती हूँ, एंड कलर मिक्सिंग के लिए भी मैं स्प्रे बॉटल ही यूज़ करती हूँ. ब्रश वॉश करने के लिए मैं एक अलग से कंटेनर रखती हूँ. तो जो पेंटिंग बनने वाली है वो बना रहे हैं हम एक टेंपल को लेके, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड गणेशा को, और उसका मैंने रेफरेंस पिक्चर अटैच कर दिया है और उसको कन्वर्ट किया है टू कलर्स में. तो आज जो हम पेंटिंग बनाने वाले हैं वो उसको 2D वे में बनाएंगे, तो देखते हैं चलिए कैसे बनती है. तो इस पेंटिंग को हमने किया है तीन टोन्स में डिवाइड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इसमें हमने कलर बिल्कुल मिक्स नहीं किया है, जो कि बहुत आसान है. सेम कलर टोन को फ्लैट फ्लैट सिर्फ कलर करना है. तो अब हम इसको फर्स्ट टोन अप्लाई करेंगे. दोनों कलर मेंशन कर दिए हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारी थर्ड टोन बनेगी, जो कि सबसे ज्यादा डार्क होगी. मैंने कुछ कुछ जगह पे फर्स्ट टोन अप्लाई की है, और जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइलाइटेड था मैंने वहाँ पे फर्स्ट टोन अप्लाई की है. एंड देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब थर्ड टोन अप्लाई कर रही हूँ. टेम्पल के बॉटम पार्ट से स्टार्ट होगी, वहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क कलर है इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है. और इसको अप्लाई करने के बाद फिर हम फर्स्ट टोन अप्लाई करेंगे और देन मीडियम टोन अप्लाई करेंगे, और धीरे धीरे हमारी पेंटिंग ऐसे ही डेवलप होती जाएगी. सो गाइज, अब मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी अबाउट दिस टेम्पल. तो इस टेम्पल का नाम है गणेशा रथा, और ये महाबलीपुरम में लोकेटेड है. इसको पल्लवास डायनेस्टी ने 7th century AD में बनवाया था, और ये बहुत पॉपुलर है महाबलीपुरम में, क्योंकि ये एक मोनोलिथ ग्रेनाइट रॉक पे बनाया गया है. पूरा मंदिर एक पत्थर से, गाइज
ये तो मानना पड़ेगा कि उस टाइम के लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे। वैसे मेहनत तो हम भी काफी कर रहे हैं अपनी पेंटिंग को बनाने में। तो अब मैं कुछ कुछ डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, जिसमें कुछ काव किया हुआ है मंदिर में बॉटम पार्ट पे, उसमें मैंने मिडिल टोन ऐड किया है और मिडिल टोन भी सेम रहेगा, सेम कलर जो हमने डार्क टोन बनाया है सेम कलर में रहेगा, बट उसको बस थोड़ा सा लाइट रखेंगे। या जो हमने बेस कलर के लिए बनाया है जो कलर फर्स्ट टोन है उस कलर को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हमारे डार्क टोन के कलर के साथ। दो कलर को मिक्स करके हमारा मिडिल टोन तैयार हो जाएगा। कलर के बारे में बात करते करते हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो चुका है और अब हम धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चले कि कौन सा थर्ड टोन लगेगा, कौन सा मीडियम टोन लगेगा और कहाँ पे हमारा फर्स्ट टोन लगेगा। तो गाइस, सबसे पहले जो हाइलाइटेड पार्ट है हम उसमें फर्स्ट टोन अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो मिडिल टोन है जो थोड़े कम हाइलाइटेड है वहां पे हम मिडिल टोन ऐड करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम अपना थर्ड टोन अप्लाई करेंगे जिससे पेंटिंग अपने आप कंप्लीट हो जाएगी तीनों टोन लगाने से। तो अभी देखिए, जैसे मैंने बॉटम पार्ट पे डार्क टोन लगाया था, देन उसके बाद फिर हाईलाइट करती गई फर्स्ट टोन लगाने के बाद, अब मैं पूरे में फर्स्ट टोन लगा रही हूँ और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे कार्विंग एरिया है वो हाईलाइटेड रहेगा और जहाँ पे शेडोज ज़्यादा है वहाँ पे मैं सेकेंड टोन और डार्केस्ट शेडो पे थर्ड टोन लगाऊंगी। मैं इस पे डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ और हमारा टेम्पल भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है गाइस। तो आप एंजॉय कीजिए डिटेलिंग्स और थोड़ा म्यूजिक भी सुन लीजिए। मैंने लगा दी है सेकंड टोन और मैं अप्लाई करने वाली हूँ थर्ड टोन जो कि शेडो पार्ट है, डार्क शेडो पार्ट। अब ये अप्लाई करने के बाद हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। Now adding some clouds in the background of the temple. Clouds बनाने के लिए मैंने जो background का color है वो उसी color में थोड़ा सा white add किया है और दोनों color mix करके मैंने clouds बनाए हैं। So going to make some banana trees in the background, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है वाइट कलर, सैप ग्रीन कलर और ब्रिलियंट
येलो ग्रीन कलर, ये तीनों कलर मिक्स करके मैंने एक मीडियम टोन बनाया है और इसी में थोड़ा सा और वाइट ऐड करके मैं हाईलाइट करने के लिए लाइटर टोन बनाऊंगी और डार्क टोन के लिए मैंने प्योर सैप ग्रीन कलर यूज़ किया है। हमारी पेंटिंग हो गई है रेडी एंड इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। तो गाइज आप भी ऐसी पेंटिंग घर पे ट्राई कीजिए और मुझे टैग करना मत भूलना। मैं बहुत सारे आर्ट वर्क शॉर्ट्स में भी डालती रहती हूँ बना बना के, तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को भी थोड़ी वैल्यू दीजिए। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।